दानिया, तुम्हें मालूम है कि इंसान का सांस कब फूलता है? हाँ मुझे मालूम है, जब इंसान में बुढ़ापा आना शुरू हो जाए तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। हला वाला बेवकूफ इंसान, इंसान का सांस फूलता है जब वो कैलोरीज बर्न करता है, लेकिन तुम्हें इन बातों का क्या पता यार। अच्छा ये बताओ, आयान उठ गई है? हाँ उठ भी गई और चली भी गई। चली गई कहाँ? चली गई वो जॉब के लिए गई है, इंटरव्यू देने के लिए। कह के गई थी कि आपको बता दूंगी। अजीब बेवकूफ का, ये सब कुछ उसका है फिर भी जॉब करेगी। अच्छा ये ला, जाओ तुम जाओ 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 जाओ। आए आए, कमबख्त कहता सही है वैसे, बुढ़ापा आता है तो यही होता है। तो मैं भी तो यही कह रहा था। तुम गए नहीं? वो मैं इसलिए रुक गया था कि कहीं चक्कर ना आ जाए आपको। चलो चलो यहाँ से निकलो निकलो। आमना आप अंदर जाएं। जी सर। आयान जी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, लगता है आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आयान मेरा नाम है, अभी उन्होंने बोला ना आयान। अब आयान मेरा नाम है, मुझे बुलाया उन्होंने, मैं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, मेरे नाम की कॉल आई है तो मैं जाऊंगा ना। अरे आयान मैं हूं भाई, ये देखो मेरे पेपर्स में भी लिखा हुआ है, मेरे आईडी कार्ड पे भी नाम लिखा हुआ है मेरा, आयान वकार। अब ये वकार कौन आ गया बीच में? बीच में नहीं आए, वकार मेरे डैड है, पहले वो आए तभी तो मैं आया। ठीक है होंगे वो, लेकिन आयान मेरा नाम है और मुझे बुलाया उन्होंने। अरे अजीब पागलपन है भाई, पिछले 26 साल से मेरे डैड मेरे दोस्त सब कहते हैं कि मैं आयान हूँ, तो आप कैसे हो सकती हैं? तो पुकार रहे होंगे ना, लेकिन मैं हूँ आयान इफ्तिखार। ये गुस्सा जो है ना किसी और को दिखाना, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे तुम मुझे क्या अंदर जाने दोगे, मैं तुम्हें अंदर भिजवा दूंगी, जानते नहीं हो मेरे बाबा के ताल्लुकात के बारे में? तो होंगे ताल्लुकात, मैं क्या करूँ, और मेरे डैड भी ना कोई मस्जिद के बाहर मीठे समोसे नहीं बेचते रहे, उनकी भी बहुत पहुंच है डाका डालने आ गए। ये देखो देखो भाइयों, देखो एक गरीब के हक पे डाका डालने के लिए आई है ये जाली अयान। जाली अयान किसको कहे तुम्हें? ये चीटर क्या है, झूठ बोल रहा है। क्या शोर मचाया है आप लोगों ने? सर मैं अयान हूँ और ये खामा खा के लिए हीरो बन रहा है। अरे सर ये झूठ बोल रही है, अयान मैं हूँ और मेरी कोई ब्रांच नहीं है। भाई आप लोग मुझे भी कुछ बोलने देंगे या? सर बोले बोले और जोर से बोले बोले इसे कि यहाँ से निकल जाए। अरे मुझे क्यों बोले, तुम्हें क्यों नहीं बोले? सर आप इसको अभी बोले शट अप और इसको बाहर निकाले, मैं तो कहता हूँ। अब तुम हद से बढ़ रहे हो। सर सर देख ले देख ले, आपके सामने हद से मैं बढ़ रहा हूँ या ये? आप दोनों अपनी हदें पार कर चुके हैं, इससे पहले कि मैं अपनी हदें पार कर जाऊं आप दोनों जा सकते हैं। सुन लिया क्या कहा है बॉस ने? गेट आउट, जा सकती हो तुम। मुझे नहीं तुम्हें कहा है। अरे आपकी समझ में नहीं आ रही, सिलेक्शन हो चुकी है, जय आप लोग। चल हाँ एक बात आप दोनों को बता दूं। जी सर। मेरा नाम भी अयान है। अब कर लो जॉब का। अच्छी खासी जॉब हाथ में आ गई थी, ये भी गई। कौन? अरे वही अयान। अयान? अयान तो तुम हो। यही तो मैं उसे समझा रही थी, क्या सोची उसे झूठ बोलने की, वहां पर नहीं मिली ना उसे भी जॉब। छोड़ो भी, एक नाम के कितने लोग होते हैं दुनिया में, बिलावजह परेशान हो रही है। बाबा होते तो होंगे पर उसे क्या वहीं आना था? एक बात तो बताओ, वैसे तुम जॉब क्यों करना चाह रही हो? इतना बड़ा बिजनेस है यार, उसे संभालो, मेरा बाजू बनो। बाबा मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ,
ओ गॉड मैं भूल गया, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चल रहा हूँ, फिर शाम में बात करेंगे इसके ऊपर। ओके बाय मेरा बेटा, बाय 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 बाय। क्या जरूरत थी उसे भी वहीं आने की, जॉब चली गई मेरी। कितनी अजीब सी बात है, एक नाम के दो लोग, वो भी आयान और मैं भी। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी हो। हवा में उड़ता इधर उधर लहराए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा। वकार मियां, तेरे बेटे को क्या हो गया, इसका इलाज करवाओ भाई, गूंगा हो गया ये तो। क्या हो गया बीजी? अरे पप्पो मैं गूंगा नहीं हूँ, शीन तो लगाएं आप अपनी। अब आ रही आवाज? अरे आ रही है आवाज, मैं कोई बहरी थोड़ी हूँ जो तू इतनी जोर से बोल रहा है। बीजी आप भी कमाल ही करती हैं वैसे। सवाल? भाई मैं सवाल करती हूँ? सवाल तो तुम्हारा बेटा करता है। और मेरी बात सुनो मियाँ, खैर तो है, बड़ी तैयारी की हुई है, कहाँ जाने के है? लगता है डैड आज डेट पर जा रहे। क्यों डैड? ब्रेड? अरे नहीं नहीं बेटा, ब्रेड नहीं, हर वक्त ब्रेड मैं नहीं खा सकती, मैं तो कोई अच्छा सा नाश्ता और खाऊंगी, हलवा पूरी खाऊंगी। मेरा ख्याल है तुम्हारी फुफो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली गई। बकोबक सब सुनाई दे रहे हैं, मुझे सब जानती हूँ मैं, तुम अपने काम से काम रखो। हाँ कहाँ जा रहे हो? अरे बात तो सुनो भाई। अरे तुम तो रुको, मेरी तो सुनो, बैठो जरा, अभी गाना कंप्लीट ही कहाँ हुआ है, जरा सुनो तो सही। मुखिया जुमला था इसके बाद यहाँ वहाँ जी, यहाँ वहाँ लहराए। अगर आप मेरी बड़ी बहन ना होती तो मैं आपसे कहता शेर। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। अरे सर ये झूठ बोल रही है, अयान मैं हूँ और मेरी कोई ब्रांच नहीं है। आप दोनों अपनी हद पार कर चुके हैं, इससे पहले कि मैं अपनी हद पार कर जाऊं आप दोनों जा चुके हैं। कौन है? मैं हूँ चांद मियां, आ जाओ अंदर। आ जाओ। ओ, मैं पूछने ही आया था कि खाना खाएंगी आप? खाने का नाम भी लिया ना तो सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। लो भाई ये मैं क्यों चौरंगी पे खड़ा हूँ कि सारी बातें घूम के मुझ पर ही आ जाती हैं। ज्यादा बातें मत करें मेरे सामने, बाबा से कह के ना नौकरी से निकलवा दूंगी आपको। निकलवाई दीजिए आप, ताकि मेरी ये जान तो छुट जाए रोज रोज की जिल्लत से। अच्छा मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? बीबी जी आपसे बदतमीजी करने का मैं सोच भी नहीं सकता, और ये अच्छी बात नहीं है कि किसी का गुस्सा किसी पर उतार दें आप। वैसे अच्छा ही किया आपने बीबी जी। क्या क्या अच्छा किया मैंने? अच्छा यही अच्छा किया आपने कि सारा गुस्सा मुझ पे उतार दिया, घर की बात घर में ही रह गई, बाहर नहीं गई। अगर बाहर चली जाती तो लोग क्या बातें करते। बाहर में जाए लोग, किसी की परवाह नहीं है मुझे। वैसे बीबी जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप पे गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अल्लाह बख्शे अम्मा कहा करती थी कि इंसान गुस्सा करता दूसरे पर है लेकिन उसका नुकसान खुद उठाना पड़ता है उसको, और जिस पे गुस्सा किया जा रहा होता है ना उसे कग भी फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो, अच्छा जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। अरे चाय तो अभी लेकर आते हैं, मगर चाय के साथ अगर बिस्किट भी मंगवा लेना, वो डुबो के खाने का जो मजा आता है ना वो तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। चलें ले आए वो। बस अभी गया, अभी लाया चाय और बिस्किट। मुझे बुलाया, मैं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मेरे नाम की कॉल आई है तो मैं जाऊंगा ना। अरे तुम मुझे क्या अंदर जाने दोगे, मैं तुम्हें अंदर भिजवा दूंगी। जानते नहीं हो मेरे बाबा के ताल्लुकात के बारे में। पागल लड़की है बिल्कुल, लेकिन है क्यों? अरे आप तो वही हैं, आप भी यहाँ वॉक करने आती हैं? हाँ मगर आप नहीं आऊंगी। क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ?
मुझे कोई शौक नहीं है अजनबियों से फ्री होने का, ठीक है? लेकिन अब हम अजनबी कहाँ रहे? मेरा मतलब है कि हम ऑफिस में मिले और अब ये दूसरी मुलाकात है, तो थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो गई है ना। अजीब आदमी हो, पीछे ही पड़ गए हो। अभी तो नहीं पड़ा हूँ, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में शायद पढ़ना पड़े। वेरी फनी। अक्सर लड़कियां मुझे इसी नाम से बुलाती। किस नाम से? यही जो भी आपने कहा। ओह, बहुत अफसोस हुआ मुझे। किस बात का? यही कि अच्छे खासे हो लेकिन कम सुनते हो। किसी अच्छे डॉक्टर से जाके चेकअप करवाओ अपने कानों का। मेरे कान बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी आंखों का इलाज कराने की जरूरत है। मेरी आंखें? हाँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी आंखें ठीक होती तो आपको ये हैंडसम लड़का जरूर नजर आता। हैंडसम? और तुम गोरे रंग की क्रीम लगाने से ना कोई हैंडसम नहीं हो जाता। और वैसे भी आजकल लड़के ना सारे रंग गोरा करने के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सब पता है मुझे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। हाँ हाँ, सही समझे, बेइज्जती तो कर रही हूँ तुम्हारी। अब हटो मेरे रास्ते से। वैसे ये बात आपने पहले सुनी तो होगी, लेकिन चले मैं रिपीट कर देता हूँ, इंतहाई रूड लड़की हैं आप। थैंक यू। और कुछ? नहीं नहीं नहीं, बस आज के लिए इतना काफी है। आपको तो बात भी करनी नहीं आती, लगता है स्कूल के गेट के सामने से भी नहीं गुजरी होंगी आप कभी। हाँ हाँ, मैं स्कूल नहीं गई, अब जान छोड़ो। मैं जाए जाए, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, और आप ही की वजह से ना। मेरी वजह से क्या? हाँ, आपकी वजह से मेरी जॉब गई है। तुम्हारी या मेरी जॉब? हाँ, वो तो शुक्र है कि मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी, वरना तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नाइस जॉक। जॉब के लिए पढ़ा लिखा, तमीजदार, समझदार होना बहुत जरूरी होता है, और आप? पढ़ी लिखी हूँ और समझदार भी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो जाली डिग्री लेके घूम रही हूँ। जाली डिग्री? मैं? लग तो आप रही हैं जाली डिग्री वाली। अच्छा अच्छा, अब जाओ यहाँ से, दिमाग नहीं खराब करो मेरा। मैं क्या खराब करूंगा, वो तो ऑलरेडी इतना खराब है। हट रहे हो या शोर में जाऊं मैं? हटा भाई हूं, जाना है जाओ। इंतहाई फजूल इंसान है तुम। हाँ, हूं मैं फजूल। वो हशर करूंगी ना तुम्हारा, कि याद रखोगे तुम। मैंने क्या किया? आंखें निकाल के टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैंने तो इस साल रोजे भी पूरे रखे थे अल्लाह पाक। नहीं छोड़ो, तुम तो गए आज। चान्या, तेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, जान प्यारी है ना, अगर तुझे तो साहिवाल का टिकट करा और निकल ले यहाँ से। बच के किधर जाओगे, जानते नहीं हो तुम मुझे। बीबी जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो 500 रुपए पड़े हुए मिले थे मुझको, चोरी नहीं की मैंने। अरे तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? वो आप अभी कह रही थी ना कि आंख ही निकाल देगी मेरी और पैर घटिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम्हें नहीं कह रही थी मैं। अच्छा, मेरी तो जान निकाल दी आपने बीबी जी। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जाएंगे भाई, अंदर ही जाएंगे। क्या बात है, बहुत चीखने पुकारने की आवाज आ रही थी, माहौल गर्म लग रहा। कुछ? अरे बहुत बुरा हाल है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी ना जाएं, टांगे तोड़ने की बातें हो रही हैं। हम बाप हैं उसके, देखते जाओ। अल्लाह मालिक है आपका भी भाई। मिल जाए सलाम, छोड़ूंगी नहीं दोबारा। समझते हमारे बेटे को? बाबा वो मुझे फिर मिला है। कौन? अरे वही अयान का बच्चा। अयान का बच्चा? उसके बच्चे भी हैं? अरे ये तो पूरा खानदान हमारे गले पड़ गया है। बाबा मजाक कर रहे हो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है यहाँ पर। अरे इसलिए तो बेटा आपका मूड ठीक कर रहे हैं हम। वो समझता है क्या अपने आप को? हाँ, क्या समझता है वो, कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान है? नहीं देखो, जो समझता है ना वो उसे समझने दो, हम तुम्हें क्या समझते हैं, बस ये देखो तुम। बाबा आपसे तो बात करने बेकार है, एक मिनट में गुस्सा ठंडा करते। हाँ इसीलिए तो हम गुस्सा ठंडा करते हैं। अभी एक और तुम्हारा गुस्सा ठंडा करते हैं हम, आज तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ और शॉपिंग करो। पक्का? पक्की बात है ना, लेकिन फिलहाल ब्रेकफास्ट करो, एक्सरसाइज करके आइयो, नाश्ता वाश्ता करो, जान बनाओ, और गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। है बकार मियां, बिना औरत के मर्द की जिंदगी बिल्कुल इस तरह है जैसे टायरों के बगैर गाड़ी। अरे बीजी, मिसाल तो कम से कम कोई काम की दिया करे। बिलाल? है ये बिलाल कौन है भला? आला लगाइए आला। अरे हाँ लगा, मैं बैजी थोड़ी हूँ। और हाँ बकार मियां, एक बात तो बताओ, ये काले बाल किस चक्कर में तुम रंगते हो, जबकि जिंदगी के रंग तो तुम्हारे अधूरे हैं। मेरी जिंदगी के रंग तो उसके साथ ही चले गए रे बीजी, वो गई तो सारे रंग अधूरे रह गए,
और उस कमबख्त दोस्त ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। हाँ भैया, लेकिन तुम कौन से देवदास बन गए? चंदी महीने के बाद तुमने भी सेहरे के फूल सजा लिए, दूल्हा बन गए और 3 महीने के लिए हनीमून मनाने भी चले गए। अरे वाह, क्या मोहब्बत है तेरी। हाँ वकार मिया, अल्लाह बख्शे हमारी भावज को, अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम दूसरी शादी कर लो ना। अरे 40 के लगते हो अभी भी। आप दुआ कीजिए बीजी, जिंदगी के किसी मोड़ पर वो अचानक मिल जाए तो फिर दूसरी शादी भी कर लेंगे। तो क्या करेंगे आप? अरे दूल्हा बनने का वक्त मेरा है ना कि डैड का। चूल्हा? आए, अच्छा किया मेरा लाल मुझे याद दिला दिया, मैं तो चूल्हा जलता छोड़ आई। मैं देखती हूँ। अरे 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 अरे, एक तो पप्पू की भी सिग्नल उस वक्त जाते हैं जब मैं कोई काम की बात कर रहा होता हूँ। तो आ जा मेरी जाने जा, बिना जीना है ना मुमकिन, कैसे बीतेंगी ये भीगी रातें, फिर बिना रात कटे ना दिन। अब तो आ जा मेरी जाने जा, फिर बिना जीना है ना मुमकिन। अरे बेटा सोई नहीं? बाबा नींद नहीं आ रही थी और आपके गिटार की आवाज सुनी तो नीचे आ गई। आप मामा को मिस करते हैं ना? मामा को? हाँ, हाँ बेटे, बहुत। बाबा आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। वो भी एक लेती। कौन, मामा? आप, वो तुम्हारी मामा, उनको मेरा गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता था ना। बाबा कुछ बताए ना मामा के बारे में। पता, जब हम ड्राइव पे जाते थे ना, तुम पिछली सीट पे सो जाती थी, तुम्हारी मामा मुझे कहती थी गाना गाओ। तो आप उन्हें गाना सुनाते थे? सच्ची तो मैं इनकार ही नहीं कर सकता, मैं गाना सुना देता। आप खुश तो थे ना मामा के साथ? हाँ खुश था, अगर मुझसे बहुत ज्यादा खुश वो थे। अच्छा, पता है मेरा और उसका झगड़ा किस बात पे होता था? किस बात पे? इसी बात पे होता था कि वो मुझसे कभी भी लड़ाई नहीं करती थी, आप भी नहीं करा। अच्छा, तो इस बात पे लड़ते थे आप? हाँ बेटा, मेरा तो दिल चाहता था कि मुझसे फरमाइशें करे, मैं फरमाइश पूरी ना करूं तो वो झगड़ा करे, हंसती रहती थी और मुझे भी हंसा देती थी। कितनी अच्छी लाइफ थी ना आप दोनों की। हाँ, कभी कुछ मांगा ही नहीं उसने, तुम्हारी सूरत में अपना अच्छा तोहफा देके चली गई। अच्छा बाबा, मामा का कोई फेवरेट सॉन्ग सुनाए। मामा का ये लो। अब तो आ जा मेरी जाने जा, तेरे बिना जीना है ना मुमकिन, कैसे बीतेंगी ये भीगी रातें, तेरे बिना रात कटे ना दिन। अब तो आ जा मेरी जाने जा, तेरे बिना जीना है ना। अरे आ गई आप। तुम वैसे आज किसका चेहरा देखकर आई हैं? काफी गुस्से में लग रही हैं। मैं तुम जैसे स्टूपिड आदमी से बात भी नहीं करना चाहती। देखिए अब आप ज्यादती कर रही हैं, टू मच हो रहा है। ये स्टूपिड किसको कहा आपने? जाहिर है आपके अलावा तो और कोई यहाँ पर है नहीं। समझती क्या है खुद को? जब देखो लेडी कमांडो बनके कभी यहाँ से वहां भाग रही होती है, कभी वहां से यहाँ भाग रही होती है। देखो अब तुम बात को आगे बढ़ा रहे हो। ये ही अब तो बात बढ़ेगी क्योंकि आप से तुम पर आ गई हैं। अगर तुम्हारा नाम अयान ना होता ना, फिर देखता मैं तुम्हें। हाँ देख लो अच्छी तरह मुझे, ताकि तुम्हारा मेरा सामना दोबारा कभी मत हो। आप एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे ये पार्क आपके फादर का अपना जाती है। मैं तुम जैसे छिछोरे लड़कों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, उन्हें ना लड़कियों से बात करने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है। ये जॉगिंग वॉगिंग तो सिर्फ बहाना है, तुम तो यहाँ पे लड़कियों को ताड़ने के लिए आते हो, मुझे सब पता है। मैं लड़कियाँ ताड़ने आता हूँ? अच्छा चलो ठीक है, मैं तो यहाँ लड़कियां ताड़ने आता हूँ, तो आप यहाँ क्यों आती हैं? और मैं तुम जैसों को सीधा करने आती हूँ। मेरे ख्याल से अब थोड़ा कुछ ज्यादा हो रहा है। आई थिंक यू शुड लीव।
अरे मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तो अब यहीं रहूंगी चाहे शाम हो जाए। क्या आप शाम तक यहीं रहेंगी? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना अच्छा होना कि ये शाम हमारी जिंदगी हो जाए। शक्ल देखी है तुमने अपनी? अरे इसके अलावा मेरे पास और काम ही क्या है, रोज देख रहा हूँ अपनी शक्ल। ना मेरे पास कोई जॉब है ना कोई काम है, फारिग एसोसिएशन। मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। शौक से करो, लेकिन इसके लिए आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से जाना पड़ेगा। सो प्लीज, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी। कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा, इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। पागल हो तुम? कहाँ मिलेगी ये लड़की, कैसे पता चलेगा इसका? आइडिया, फेसबुक पे सर्च करता हूँ। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, ठीक है? मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे नाम में इंटरेस्ट है, कि तुम्हारा नाम भी अयान। हाँ पता है, पहले मुझे भी यही इंटरेस्ट था, लेकिन अब। लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब तुम मुझे वाकई अच्छी लगने लगी हो, और जानती हो क्यों? हाँ हाँ अब मैं जानती हूँ। तुम किसी पुराने हीरो की तरह एक लाइन मारोगे कि तुम्हारी और मेरी आदतें कितनी मिलती हैं ना यार। अरे कितनी जीनियस लड़की हो तुम। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, हमें ये पता करवाना है कि हम दोनों के नाम अयान क्यों हैं, और इसका जवाब हम दोनों के फादर से दे सकते हैं। ये तो है, तो फिर पूछो अपने फादर से। वो ऐसे कभी भी नहीं बताएंगे, हमें उन दोनों को मिलवाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि मिलवाएंगे कैसे और कहाँ? भाई हम उन्हें एक अच्छे से होटल में मिलवाएंगे ना। इसका मतलब ये कि लड़की ने हाँ कर दी। बकवास बंद करो, जो कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। डैड, ओ डैड, सुने ना मेरी बात, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मुझे आपको एक लड़की से मिलवाना है। तो तुमने उस लड़की को मेरी तस्वीर दिखाई है? आपकी? आपकी तस्वीर क्यों दिखाऊंगा? खुद ही तो कह रहे हो कि मुझे किसी लड़की से मिलवाना। अरे जी डैड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। ओके ओ, तुम्हें लड़की? नहीं मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। डैड मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस, और मुझे उसके बाबा को आपसे मिलवाना है, और वो भी साथ आएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर बताना पड़ेगा कि लड़की का बाप क्या करता है, खानदान कौन सा है, लड़की कितनी पढ़ी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। बताता हूँ ना डैड। यार तुम यंगस्टर्स की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। हाँ कल तक जो शख्स इतना बुरा लग रहा था कि तुम नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं करती थी, और आज इतना अच्छा लग रहा है कि तुम अपने मुस्तकबिल से उसको वाबस्ता कर रही। मेरी बात सुनो लड़की, सिर्फ इस वजह से तुम एक शख्स से शादी नहीं कर सकती कि उसका नाम तुम्हारे नाम जैसा है। हाँ पापा एक बार मिल no, तो ले। नो नो पापा, यार बहुत अच्छा लड़का, एक बार मिल तो लेना आप उनसे, प्लीज मेरे खातिर, सिर्फ एक बार, बस पक्का एक बार। एक बार पक्का एक बार। ठीक है, हम उससे मिलेंगे, बल्कि उसके बाप से मिलेंगे। अगर उसका बाप हमारी समझ में आ गया तो समझो ईद के बाद हम यहाँ शादी आने बजवा लें। पक्का पक्का, तू उससे कहो हमारे घर से मिलने, उससे नहीं बल्कि उसके बाप से। अयान कहाँ रह गए, बाबा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ, मैं यही तो खड़ी हुई हूँ। आ गए आ गए, क्यों परेशान होती हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हारे डैड किधर हैं? बस बाबा यही। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम इफ्तिखार, बच्चों के सामने कुछ मत बोलना, अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो। और जो मेरा मुंह सालों से बंद है ना, तो उसे भी मत खुलवाना तुम। बेटा अगर मुझे पता होता कि तुम इसके पास आ रहे हो तो मैं कभी ना आता। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे गद्दार से मिलने का। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं जिंदगी में तुम्हारी सूरत तक नहीं देखूंगा। बाबा एक मिनट, हम बैठ के बात नहीं कर सकते? अरे इस जैसे दुश्मन के साथ बैठना
मेरी तौहीन है तौहीन। तौहीन उसकी होती है जिसे अपनी इज्जत का पास होता है। देखिए डैड, हम लोग यहाँ एक बहुत नए काम की नियत से आए थे, हम लोग बैठ कर तसल्ली से बात कर लेते ना। अगर किसी को देख कर तबीयत आग बगुला हो जाए तो कैसे की जा सकती है बात? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। डैड समझा करें, रिश्ते की बात करने के लिए आए हम आप। रिश्ता? अरे रिश्ता तो अपनों में होता है, दुश्मनों में नहीं। बिल्कुल ठीक कहा इसने, जब पुराने दोस्त दुश्मन बन जाएं तो इससे खतरनाक और कोई बात नहीं होती। मेरा दिल चाह रहा हूं तेरा गला घोट दूं। दोस्त? दोस्त क्या मतलब? आप दोनों पहले दोस्त थे? ऐसा क्या हो गया आप दोनों में जो दोस्त से दुश्मन बन गए? मैं बताना मुनासिब नहीं समझता तुमको। मुनासिब नहीं समझते, ये शर्म आ रही है इसलिए कि तुम इस तरह की बात अपनी बेटी के सामने कर ही नहीं सकते। शर्म तो तुमको आनी चाहिए, तुमने हमारी दोस्ती में छुरा घोंपा है। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो बताएं बाबा। अरे बेटा कुछ बताने और समझाने का वक्त गया, अब तो वक्त इंतकाम का है। अबे अपनी हालत देख, अल्लाह ने दुनिया में ही सजा देनी शुरू कर दी है तुझे। डैड 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 की बात कर रहे थे। ओके 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 ओके, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ मैं खड़ा नहीं रह सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं। अरे तुम क्या बर्दाश्त नहीं करोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो यहाँ से, तुम बिल्कुल लेकिन डैड आप दोनों के बीच में ये दुश्मनी क्यों है? बताऊंगा, आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आप दोनों तो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हाँ बेटा, मैं और वकार हम लोग बैचलर्स साथ कर रहे थे, दोनों बैचलर्स थे ना, और अयान हमारे साथ पढ़ती थी। हम तीनों की दोस्ती ना मिसाली थी, हर कोई हमारी दोस्ती की मिसाल दिया करता था, ऐसे पक्के दोस्त थे। आप अयान आंटी से मोहब्बत करते थे? हाँ, मैं आयान से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, और ये बात इफ्तखार अच्छी तरह से जानता था। मैंने कई बार आयान से इस बात का इजहार करना चाहा, मगर कर ना सका। डैड इसका मतलब कि इफ्तखार अंकल भी उनको चाहते थे? हाँ, और वकार को ये गलतफहमी थी कि आयान उससे मोहब्बत करती है, और उसमें भी सरासर कसूर मेरा है कि मैंने अपने दोस्त पे अंधा एतमाद कर लिया, और ऐसे दोस्त पे जिसके साथ मैंने बचपन जवानी के सुनहरे दिन गुजारे हैं। और एक दिन बस वकार गायब हो गया, और अयान आंटी वो भी गायब हो गई। गायब क्या हो गई, बल्कि वकार ने उससे शादी की और उसको ले गया था कि मुझसे दूर कर दे। इसका मतलब कि वकार अंकल ने अयान आंटी से शादी की है? हाँ, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप कर खुद आयान से शादी कर ली। उसमें हिम्मत नहीं थी मुझसे आंख मिलाने की, वरना इस तरह मुझसे नजरें चुराकर भागता ना। मैं आयान की मोहब्बत की चिंगारी को तुम्हारी मामा से शादी के बाद भी बुझा ना सका, और इसी चाहत में मैंने तुम्हारा नाम आयान रख दिया। अच्छा, इसीलिए आपने मेरा नाम आयान रख दिया? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम अपनी मोहब्बत के नाम पे आयान रखा है। आठ वर्षों के बाद जब उसको मैंने यूं देखा तो मेरे सीने की राख में दोबारा से आग भड़क उठी। तुम मुझे बताओ मैंने गलत किया क्या? गलत किया, इसीलिए तुमसे मैं कह रहा हूं कि आज के बाद तुम उस लड़के का नाम तक नहीं लोगी, समझी तुम? बस ये फाइनल है, उसका नाम तुम नहीं लोगी। और सुन लो आयान, आज के बाद उस लड़की का नाम भी मेरे सामने मत लेना। डैड डैड, अयान की मॉम का नाम भी अयान था? ये बात तो उसने मुझे बताई नहीं। मेरी मामा का नाम तो सायरा था। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरी मामा का नाम तो रुबीना था। इसका मतलब कि हम दोनों के जो फादर्स हैं वो एक गलतफहमी का शिकार है। अरे अयान तो कुछ और है।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ठीक कह रहे हो यार, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बताओ ना क्या करें। सोचो सोचो, अरे जल्दी सोचो ना यार, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता मैं। आइडिया? हाँ, मुझे भी एक आइडिया है। पहले तुम बताओ। सुनो, आज के दौर में अगर आपको किसी को भी ढूंढना हो ना तो बहुत आसान है। वो कैसे? अरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इतनी सारी सोशल मीडिया की वेबसाइट है, वो कहीं ना कहीं तो होंगी। मैंने तुम्हें भी तो अयान फेसबुक पे ढूंढा था। हाँ अयान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरह से तो आसानी से मिल जाएंगे वो। अब तुम एक काम करो, तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सर्च करो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, अयान आंटी की एज क्या होगी? यार डैड की और तुम्हारे डैड की एज देख के लगता है मेरे ख्याल से 45 टू 50 होंगी। हाँ इतनी होंगी। ओके बाय। मिल गई, यही है वो, मैं इनको कब से ढूंढ रही थी। आया, उनको बताती हूँ। हेलो अयान। यार ढूंढ तो रहा हूँ अयान को, नहीं मिली ना अभी तक। अब हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? अयान आंटी मिल गई हैं। क्या तुम सच कह रही हो ना? हाँ हाँ सच कह रही हूँ। अच्छा अच्छा बताओ वो कैसी है, कहाँ है, कहाँ मिली तुम्हें? हाँ एक मिनट सबर तो करो ना, बताती हूँ। अयान आंटी ने किसी अख्तर नामी शख्स से शादी की है। अब पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं उनके हस्बैंड। अरे आंटी तो जिंदा है ना? अरे हाँ हाँ, अभी दो घंटे पहले तो पोस्ट डाली है उन्होंने फेसबुक पे। अच्छा अच्छा, और ये एक एक्ट्रेस बन गई है। अयान अख्तर नाम की तो कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं है। अरे तुम छोड़ो ना इन सब बातों को, हमें इनसे क्या, हमें तो बस अपना काम करना है ना। अच्छा अच्छा, और बताओ उनके बारे में। मैं बस उनसे कांटेक्ट करके आप एक मीटिंग रखा। हेलो हेलो, कैसी हैं आंटी आप? ये आंटी किसको कहा तुमने? सॉरी, कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। और आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है, शूटिंग बिजी चल रही हूँ। आपसे मुलाकात हो सकती है मैम? अरे मुलाकात तो गोली मारो, शूट की डेट बताओ। मैम एक्चुअली मैं चाह रही थी अगर हम बैठ के बात कर लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो तुम लियाकताबाद में गली नंबर 10 में आ जाना, वहाँ किसी से भी पूछ लेना कि अयान अख्तर टीवी आर्टिस्ट का घर कौन सा है। सब जानते हैं मुझे, बहुत फेमस एक्ट्रेस हूँ मैं। जी जी मैम वो तो ठीक है, पर मैं चाह रही थी अगर आप हमारी तरफ आ जाएं मिलने के लिए। देखिए भाई, प्रोडक्शन वाले या तो गाड़ी भेजते हैं या फिर पैसे दे देते हैं आने के। अरे आप परेशान मत हो, मैं आपको गाड़ी भिजवा दूंगी। अच्छा चलें ठीक है, बजट में आके तय कर लूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। अरे वाह। हाँ बोलो क्या हुआ? मुबारक हो अयान मकार, तुम्हारे डैड की मोहब्बत आ रही है। क्या, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और बात सुनो, वो सिर्फ मेरे डैड की मोहब्बत नहीं, तुम्हारे भी अब्बा का इश्क है। अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को, मैं डैड से उन्हें मिलवा के सारी बातें क्लियर कर दूँ और उसके बाद डैड को और उनको तुम्हारे घर पे लेकर आ दूँ, जो भी बात होगी सामने कर लेंगे। डन, फिर तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तुझे मैं बताऊंगी। ओके ओके, बात करो। किससे बात हो रही थी? बाबा वो मैं उसी खबीस लड़के से बात कर रही थी ना तुम? हाँ मैं आपके पास ही आ रही थी बात करने के लिए। बोलो। बाबा वो मुझे आपको किसी से मिलवाना है। हैं? फिर मिलाना है? अभी दो घंटे पहले तो तुमने किसी से मिलाया था मुझे, और आप किससे मिलाना है? बाबा आप इतने सवाल क्यों करते हैं, एक बार मिल तो लेना उससे। अच्छा चलो तुम्हारे खाते मिल लेंगे। बस थैंक यू सो वेरी मच। हाँ मिलेंगे। अरे कमाल लड़की है, तो मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर, मगर इतनी फास्ट, अभी दो घंटे पहले किसी से मिलाया, अभी फिर मिला रही है, ये किस पे चली गई है? बात बताओ, तुम्हारी बात तो हो गई ना उनसे, वो आ रही है ना? अरे हाँ गाड़ी जाएगी उन्हें पिक करके ले आएगी। क्या वो मान गई आने को? हाँ कैसे नहीं मानती, एक्ट्रेस है वो बहुत बड़ी। क्या मतलब? अरे उन्हें एक ड्रामे का बोल के बुलवाया हम लोगों ने, वो समझ रही है कि हम उन्हें ड्रामे में कास्ट कर रहे हैं। कमाल का आइडिया वैसे यार, आगे का प्लान क्या है वो तो बताओ।
अरे बहुत सिंपल, जब उन्हें घर पे बुलाऊंगी तो वो डैडी को खुद बता देंगे कि उनकी शादी वकार अंकल से नहीं हुई है, ताकि तुम्हारे डैड को भी पता चल जाएगा कि उनकी शादी मेरे बाबा से नहीं हुई है, किसी अख्तर नामी शख्स से हुई है, तो बात वही खत्म। अरे हाँ, जब मेरे डैड को पता लगेगा कि अयान आंटी की शादी इफ्तिखार अंकल से नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तुम अपने डैड को किसी भी बहाने से घर पे रोक के रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे तुम फिक्र ही मत करो, मैं डैड को कहीं जाने ही नहीं दूंगा, उन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है ताकि उनको पता तो चले कि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। ये तो अख्तर साहब की वजह से सारा मसला हुआ ना, जो दो दोस्तों को उन्होंने अलग करवा दिया। हाँ, और उसी जुदाई का इंतकाम हमसे ले रहे हैं, हमें अलग करके। पर अब ऐसा नहीं होगा, बस एक बार अयान आंटी को आने दो। डन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, डैड को बता दूं कि अयान आंटी आ रही है? अरे ऐसी गलती भी मत करना, जब तक हम आ ना जाए उन्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि हम उन्हें किससे मिलवाने वाले हैं। अच्छा छोड़ो ना यार, अयान आंटी के बारे में बताओ कोई खास बात। कोई खास बात अगर उनमें होती तो वो एक बड़ी एक्ट्रेस ना होती, लेकिन एक बात है उनमें। वो क्या? वो अपने आप को ना मायरा खान समझती है। क्या मायरा खान? इतने भरम से बात कर रही थी कि शायद सारे ड्रामों की हीरोइन वही रही है आजकल। चलो ठीक है, अब जब उनसे मिलेंगे ना तो पता लग ही जाएगा कि वो क्या वजह थी कि जो ये दोनों इन पे लट्टू थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बाबा को अयान आंटी में देखा क्या, जो अपनी इतनी अच्छी दोस्ती खत्म कर दी उन्होंने इसके खाते। और आज एक कहानी खत्म होगी और एक नई कहानी का आगाज होगा, तुम्हारी और मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी तारीफ। मुझे अयान ने बुलाया, मैं उनकी मेहमान हूँ। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, कैसी दिख रही हूँ? हाँ बताया था अयान ने, आपका बेटी है मेरी, वो जान का टुकड़ा है मेरी। हाँ जब भी तो, वरना बेटियों पे इतने पैसे कौन खर्च करता है। अरे पैसा क्या खर्च करना, सब कुछ उसी का, मैंने आज तक कभी रोक टोक कोई नहीं की। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, वैसे आपका बेटा करता क्या है? कुछ भी नहीं करता। क्या मतलब? दो तीन मरतबा नौकरी लगवाई है किसी से कहकर, बहाने बनाकर छोड़ देता है। तो पूरा दिन क्या करता है? कुछ भी नहीं, दो बजे तक सोता रहता है नवाबजादा, फिर टाइम जाया करता है और दोस्तों के साथ उठकर रात को ढाबे पर चला जाता है चाय के। मैं तो हर किसी से रिक्वेस्ट करती हूँ किसी किसी अच्छी जगह नौकरी लगवा दे। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके आने का। बाबा आपने पहचाने हैं? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं पहचाना। बाबा गौर से देखना, आप जानते हैं इन्हें। हाँ बेटा बताते रहो, मैं बिल्कुल नहीं पहचाना है, मैं तो खुद जिंदगी में पहली बार मिला हूँ उनसे। क्या आप पहली मर्तबा मिल रहे हैं इनसे? अच्छा आप बैठे तो सही ना। आप बैठे, तुम इधर आओ मेरे पास, हम अभी आ रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ। मैं आती हूँ। मेरे पास सुनो, इधर आओ, इधर पास पास। ये एक मिनट, ये क्या है सब कुछ? हाँ क्या तमाशा है, कौन लोग हैं? हाँ इन्हें नहीं जानते। मैं क्या कसम खाऊं कि मैं नहीं जानता उनको। और तुमने कैसा लड़का पसंद किया, कैसी औरत है, लड़का कैसा होगा ये है? आप ये क्या सोच रहे हैं बाबा, ये मेरे लिए थोड़ी आई है, आपके लिए बुलाया है मैंने इन्हें। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें माँ का बाप का दोनों प्यार दिए, लेकिन लगता है कि मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई है। तुम ये क्या सोच रही हो मेरी बच्ची? बाबा आप उल्टा सीधा मत सोचें और आप यहाँ से जाएं। नहीं लेकिन ये मेरे... आप जाएं ना, मैं इनको खुदाफिज़ कर, आप जाएं तो मैं आती हूँ खुदाफिज़। लेकिन मैं नहीं जानता इनको। कौन पास करें? आप एक काम करें, अभी आप चली जाएं, मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगी। कैसे चली जाऊं, आपने अभी डेट्स भी नहीं ली मुझसे, और तो और बजट भी तय नहीं हुआ। असल में बात यह है कि जो प्रोड्यूसर है ना, उनको शायद आप रोल में कहीं फिट नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको कॉल करके बताऊंगी, फिर आप आ जाइएगा, ठीक है? फिट क्या मतलब है, मैं हर कैरेक्टर में फिट आती हूँ, एक बार ऑडिशन तो ले लें प्लीज। आप प्लीज मेरी बात को समझे, आप चली जाए, मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगी ऑडिशन के लिए, ठीक है? मेरे पास हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसा करूंगी अपना ऑडिशन व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, एक नहीं दो ऑडिशन, आप तीन कर दीजिएगा, अभी जाए, मुझे बहुत सारे काम है, ठीक है? ओके खुदाफिज़।
अगर ये डैड की अयान नहीं है तो फिर अयान ढूंढनी पड़ेगी मुझे। सुने जी बोले। दरअसल मैं कहना ये चाह रही थी कि बोले ना क्या बात है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जो फैसला किया है प्लीज उस पर एक बार नजरसानी कर लीजिए। देखिए मोहतरमा आपके दिलो दिमाग में जो चल रहा है ना आप उसको निकाल दें अपने सहन से क्योंकि मैं इस बारे में तो सोच भी नहीं सकता। मगर क्यों? देखिए जी जिंदगी एक ड्रामा है और मैं इसमें बहुत सारे किरदार कर रही हूँ। अगर एक किरदार आपके हाँ करने को मिल जाएगा तो कसम से 100% पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। अरे क्या कह रही हैं आप, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं आप तो गलत फहमी हुई, मैं आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं कर रहा। आप असल में जो किरदार करना चाह रही है ना आप उसके लिए फिट नहीं है बस। कैसे फिट नहीं? मैं फिट थी, फिट हूँ और फिट रहूंगी। आप नहीं करना चाहते तो ना करें। एक बात कान खोल के मेरी आप भी सुन लें। आप मुझे अब लें या ना लें मैं खुद भी नहीं करना चाहती। खुदा हाफिज। वाह इफ्तिखार मियां, आज भी लड़कियां तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मर रही। हाँ यान होगी मुलाकात। कितनी देर में आ रही हो? अयान एक मसला हो गया यहाँ पर। मसला? क्या मसला हो गया? वो जो अयान अख्तर आई थी ना वो बाबा वाली अयान नहीं है। क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ डैडी को रोक के बैठा हुआ हूँ, उनसे क्या बोलूंगा मैं? मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है खुद संभालो, मैं तो खुद यहाँ पे परेशान हो रही हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, हम मिलके कुछ सोचते हैं। तुम फोन रखो, मैं भी जाके डैड को हैंडल करता हूँ, पता नहीं क्या बोलूंगा मैं। ओके खुदा हाफिज़। अरे डैड टाइम देखे आप गए नहीं अभी तक। गए नहीं क्या मतलब, तुम्हें तो रोका हुआ था। मैंने मैंने क्या हुआ? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब सब खैरियत है। तो मुझे आज किसी से मिलवाने वाले थे। मुझे याद है मैंने आपको मिलवाना था डैड, असल में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो वो आज आ नहीं सकते, बट टेंशन नॉट, मैं फिर किसी दिन मीटिंग अरेंज कर लूंगा ना। लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं डैड, आप मेरे डैड हैं, आपसे भला मैं कभी कुछ छुपा सकता हूँ? नेवर। कॉल आ रही, एक सेकंड मैं आता। लगता है मौसूफ को फिर किसी से इश्क हो गया। खाना नहीं खाया बेटा? क्यों? बाबा भूख नहीं लग रही है। नाराज हो अपने बाबा से? आपको ऐसा लगता है? लग रहा है तभी तो कह रहा हूं। देखो बेटा हयान की बेवफाई के बाद मैंने तो इरादा किया था कि सारी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी मरहूमा दादी की जिद के आगे मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। अल्लाह ने मुझे तुम्हें दे दिया, तुम्हारी माँ को मुझसे ले लिया, उसकी मर्जी। तुम्हारी मामा के बाद मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज तुम बनी रही ना, लेकिन अब मुझे लगता है अब मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती बेटे। तो मैंने मैंने फैसला किया तुम उन खातून से हाँ कर दो। क्या? किस खातून से बाबा? अरे वो जो जिनको तुम लाई थी मुझसे मिलाने। बेटे तुम्हारी खुशी के लिए मुझे ये सब मंजूर है। मगर बाबा बात तो सुने मेरी। हाँ देखो हाँ मगर मगर बिल्कुल सही कह रही हो, उनसे कह देना निकाह सादगी से करूंगा मैं। हाँ इस उम्र में ये जो सारे बनाओ समार और ये शोर शराबा अच्छा तभी लगता है ना। बाबा बात तो सुने मेरी। हाँ वन मोर थिंग, मुझसे तुम शेरवानी और शेरे के लिए जिद नहीं करोगी यार, गर्मी का मौसम है शेरा अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं तो कोई जिद ही नहीं कर रही आपसे। हाँ, मुझे अपनी बेटी का पता है और एक बात साफ साफ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब वो भी बता दें, क्या बात है? उनका निखट्टू बेटा जहेज में यहाँ नहीं आएगा बस। अच्छा ठीक है नहीं आएगा, और कुछ? अब हाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम उनको आंटी कहो या अम्मी। अम्मी ठीक है बेटा, तुम्हें जो शादी की डेट अच्छी लगे बता देना, दो दिन बाद रख लो। ओके जल्दी भी रख लो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ओके ओके थैंक यू, बाय बाय बाय। कहाँ फंस गई मैं? हाँ बोलो यार। बोलो के बच्चे कहाँ हो तुम, यहाँ सब उल्टा सीधा हो गया है। खैरियत क्या हुआ? अरे बाबा उस एक्ट्रेस से शादी के लिए मान गए,
बल्कि वो तो मुझे ये कह रहे थे कि मिलवाओ मुझे उससे। अरे वाह मुबारक हो भाई, तुम्हें तो बैठे बिठाए घर पे माँ मिल गई। बकवास बंद करो तुम अपनी, मैंने तो उन्हें अयान आंटी के धोखे में मिलवाया था। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, दो चार दिन बाद अंकल से कह देना कि उन्होंने इनकार कर दिया। यार जब बात ही ऐसी नहीं है तो क्या करूं मैं, तुम करो ना मेरी कुछ हेल्प। यार मुझे नहीं पता, तुम्हारे बाबा है तो उन्हें खुद ही समझाओ, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं खुद ही कुछ कर लूं। अच्छा मेरी गाड़ी पीछे करो, गाड़ी पीछे करो तुम। अरे हमने सिर्फ आगे बढ़ना सीखा है, पीछे नहीं। अरे जानता हूँ जानता हूँ, आगे बढ़ते हुए कितने कीमती रिश्ते कुछ लोगे, इसकी परवाह नहीं है तुम्हें। रिश्तों की बात वो कर रहा है जो खुद रिश्तों की अहमियत नहीं जानता। बकवास बंद करो और अपनी गाड़ी पीछे करो। गाड़ी तुम पीछे करोगे, मैं नहीं। इफ्तिखार ऐसा ना हो कि जो कुछ मैं पीछे छोड़ आया हूँ वो सब मुझे मजबूर कर दे और मैं कुछ कर बैठो। मिस्टर वकार, मेरे हाथ में भी खून की लकीर है, ऐसा ना हो कि वो लकीर तुम्हारे खून से रंग जाए। अरे ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना, बेटा हम वो हैं जिनके हाथ में खून की लकीर हो ना हो लेकिन खून हम फिर भी कर बैठते हैं। बात को मत बढ़ाओ वकार अहमद, मुझे रास्ता दो और अपना रास्ता ना जाओ। रास्ता तो मैंने तुम्हें दिया था जिसका तुमने नाजायज फायदा उठाया। सामने से हट जाओ वरना क्या, क्या? अरे सोचो जब तुम्हारी बेटी को तुम्हारा ये भयानक रूप नजर आएगा तो क्या सोचेगी वो। अरे अगर मैंने तुम्हारे बेटे को बता दिया कि जवानी में तुम्हारी क्या क्या हरकतें थी तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। और अगर मैंने तुम्हारे घर में बता दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप लोग अगर मेहरबानी करके साइड में सुकून से लड़ लेंगे ना तो मैं आपको निकल जाऊंगा, मुझे बहुत देर हो रही है। आप तो तुम इसको कहो गाड़ी हटाए, मैं क्यों हटाऊं? मैं पीछे नहीं करूंगा। अंकल प्लीज आप ही पीछे कर लें। ओए अंकल किसे कहा तूने? अबे अंकल को अंकल नहीं कहेगा तो क्या छुन्ना काका कहेगा? बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, कपड़े देख किस किस्म के पहने हुए, शर्म आनी चाहिए बुढ़ापे में इस तरह का लिबास पहनते हुए। अपना हाल तो देख, सारे अमाल चेहरे पे आ गए, बहुत शक्ल हो गया तू मजीद। आप दोनों की बातों से लग रहा है मुझे आप दोनों दोस्त हैं और लड़ रहे हैं। मैं इसका दोस्त? इसका नामुमकिन। अरे ऐसे दोस्त से तो अच्छा था मैं कुत्ता पाल लेता, कम से कम वफादार तो होता। बेटा तूने तो पता नहीं पाला के नहीं पाला लेकिन मैंने तुझे जहन में रख के जरूर पाला है। मुझे सारा केस समझ में आ गया। बॉयज चिल करें, क्यों लड़ रहे हैं यार, लड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है। चलो तुमने मुझे बॉय कहा है तो मैं चिल कर जाता हूँ। देखा बॉय कह रहा, बॉय चले प्लीज मेरे कहने से हटा लें। किसी के कहने से मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा। देखा फिर बकवास कर रहा है ना ये। हाँ कर रहा हूँ बकवास, फिर कर ले जो करना है। अरे अरे प्लीज आप बैठे गाड़ी में चलें। वकार अहमद किस्मत अच्छी थी तेरी कि ये बीच में आ गया, वरना गया था तू आज काम से। चल चल मर गए मारने वाले। चलो चलो। वैसे मैंने भी हटवा ही देनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम जाओ अपनी गाड़ी में बैठो। थैंक यू सर। हाँ उलझी सुलझा जारी। अरे वाह वाह, क्या गाना गाती हैं आप, आपको तो सिंगिंग करनी चाहिए थी। स्मोकिंग? मैं थप्पड़ लगाऊंगी जोर से मुंह पे। अरे अपनी पप्पी को बोल रहा है कि स्मोकिंग क्या करे। अरे स्मोकिंग नहीं सिंगिंग, सिंगिंग। हाय हाय बैरी थोड़ी हूँ, आहिस्ता बोल। हाय क्या मेरी दुखती रख पे तूने हाथ रख दिया मेरे बच्चे। बस खानदानी इकतदार और तरबियत की वजह से मेरा ये शौक दिल में रह गया, दिल के अरमां दिल में रह गए। और तुम्हें क्या बताऊं, वरना नूर जहां तो मेरे सामने पानी भरा। अरे छोड़े ना नूर जहां को, मेरी बात सुने, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम है। तभी तो, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? पहले काम बताओ। बड़ी होशियार है आप। प्लीज समझा करें ना, बता दूंगा लेकिन ये काम आपने मेरा जरूर करना है। हाँ हाँ जरूर कर दूंगी, लेकिन मेरी शर्त मान लोगे ना? देख लूंगा।
मुझे धरा जी के ना गोलगप्पे खिला के लाओ अभी के अभी के अभी अभी इस टाइम। हाँ ना अभी जाऊंगी अभी जाऊंगी अभी जाऊंगी अभी जाऊंगी। चले चले साले की किस्मत अच्छी थी बच गया मेरे हाथ से। इतनी उम्र हो गई है लेकिन छिछोर पर नहीं गया। चांदनिया अरे चांदनिया। जी हुजूर। जी जी हुजूर। आए जाके चाय लेके आ मेरे लिए कड़क सी। लेके आता हूँ मगर आइए। इतना गुस्सा किस बात का है? गुस्सा तुम पे निकल जाएगा दादा। बकवास मत करो। अयान कहाँ है? अयान बीबी तो अपने कमरे में। हाँ वो चाय से ज्यादा जरूरी मुझे लग रहा है शरबत ला दूंगा। जो कह रहा हूँ वो करो वरना। अच्छा ठीक है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको? बोलो। वो जो उस दिन आई थी ना खातून। हाँ। वो खातून जो है ना वो टीवी के ड्रामों में आती है। वो मैंने बहुत सारे ड्रामों में देखा है उनको। अदाकार है? हाँ। तो यार हमें बताना कभी हम ड्रामा आ रहा हो हम भी देखेंगे उनको। हाँ साथ देखेंगे दोनों। साथ के बच्चे चाय लेके चल। अरे अरे अदाकारा और मेरी बीवी। नो नेवर नेवर नेवर। वक्त बार बार मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। इस बार शिकस्त तुम्हारी होगी इफ्तिखार बेग और जीत मेरी होगी। अरे वकार मियां ये देखो जरा गोलगप्पे लेके आई। खाओ मजे करो। कि आप लोग गोलगप्पे खाने गए हुए थे? हाँ ना। पर इस वक्त वापस आ रही है रात के वक्त। किसके साथ गई थी आप? अरे मेरे साथ डैड। मैं लेकर गया था फूफू को। ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम फूफू की खिदमतें कर रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि तुम्हारी फूफू उस लड़की की सिफारिश करेंगी और मैं मान जाऊंगा तो ये भूल जाओ बेटा। ये नहीं हो सकेगा। अरे ये तो खाते जाओ। अजीब है तेरा बाप भी। अरे क्या कह रहा था तेरा बाप? पहली दफा ऐसा हुआ पप्पू कि आपने सही टाइम पे कुछ नहीं सुना। अरे तुम अब क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नथिंग नथिंग। आप खाए ना एंजॉय करो गप्पे। हाँ हाँ आज आज खाओ तुम भी। यार मुझे इतनी टेंशन हो रही है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे तुम्हें टेंशन हो किस बात की रही है? टेंशन लेने से क्या होगा? अच्छा वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तुम चाहते हो कि कल जब शादी के कार्ड सबके आ जाए तब परेशान हूँ? अच्छा क्या कह रहे हैं वो? अरे वो तो कह रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम उन्हें अम्मी कहो या आंटी। अरे वाह क्या बात है। ऐसा बाप तो नसीब वालों को मिलता है। तुम बेकार की फजूल बातें कर रहे। और तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं वो क्या? तुम मुझे बस इस मसले का हल बताओ। अच्छा काम करो तुम अपने बाबा को ये बोलो कि मैं उनसे रिश्ते की बात करने गई थी लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि वो अपने कजन से मोहब्बत करती हैं। कैसा कैसा आइडिया दिया है ना? अच्छा है ना? और फिर जब उन्हें ये पता लगेगा कि वो किसी और से प्यार करती है तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। मुझे तुम्हारे बेकार की बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं खुद ही कुछ हल निकाल लूंगी। अरे तुम क्या करोगी? हाँ देखना मैं खुद ही हल निकाल लूंगी। अच्छा चलो बताओ क्या हल है बताओ। बाबा को क्या बोलूं मैं? कह देती हूँ शूटिंग से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। वाह क्या आइडिया है। वाह अच्छा लग रहा तुम्हें आइडिया मेरा। अरे क्या खाक अच्छा है। वो एक एक्ट्रेस है उसकी खबर अखबार में कैसे लगवाओगी? और अगर तुम्हारे बाबा ने कहा कि मुझे मिलने जाना है तो किससे मिलवाओगी? तो क्या करूं आयान उस औरत को कैसे रोकूं घर पे आने से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर का मसला और तुम ही संभालो। अच्छा मेरे घर का मसला और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है इससे? अरे मतलब मेरा भी मसला है लेकिन कहने का मकसद ये था कि तुम अपने बाबा के नेचर को जानती हो। तुम ही कोई आइडिया सोचो कि क्या हो सकता है कि वो मान जाए। चलो मैं कोई हल निकाल लूंगी अभी चलते हैं। मैंने ये गलती हरगिज़ नहीं करना। जब तक मैं खुद विजिट न कर लूं कोई कंसाइनमेंट नहीं जाएगी। ओके आओ जी बरखुरदार। बाप के साथ बात करने का वक्त मिल गया आपको? अरे डैड कैसी बातें कर रहे हैं आप। आप ही बिजी होते हैं वरना मैं तो। खैर बोलो क्या बात है डैड। वो मैं ये कह रहा था कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसहैप हुआ था तो उसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर नहीं है। कसूर उस लड़की का है क्योंकि वो इफ्तिखार बेग की बेटी है। डैड वो भी आपके बारे में ना यही कहते हैं। आई डैम केयर। कहती है तो कहती रहे माय फुट। कुछ और कहना है तुमने? कहना है और ये कहना है कि डैड ये कोई पत्थरों का जमाना नहीं है।
कि माँ बाप कोई भी फैसला अपने बच्चों पर मुसल्लत कर दे, बच्चे आंख बंद करके उसे मान ले। हम दोनों यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों की रजामंदी शामिल हो, वरना वरना क्या करोगे? वरना ये कि फिर अयान आंटी ही हमारी शादी करवाएंगी, आज नहीं तो कल। मैं और अयान अयान आंटी को ढूंढ कर ही रहेंगे, आप देखिएगा। अयान आंटी को ढूंढ लेंगे? वो कोई आटा या चीनी है जिसे मैं इतना अरसा ना ढूंढ सका, और ये ढूंढ लेंगे। वाह, अरे अच्छा हो तुम आमी बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आप बाबा, मुझे भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर डर रही हूँ कि आप हर्ट ना हो जाएं। हर्ट क्यों होगा, मैं बहुत मजबूत आसाब कमा रहे, बोलो। बाबा मुझे लगता है कि आंटी आपसे शादी नहीं करना चाहती। ये तुम कैसे कह सकती हो? उनकी बातों से लगा है मुझे। अरे तुमने गलत समझा होगा, गलत समझी होगी तुम्हें, ये थोड़ी कह रही होगी वो। अच्छा तुमने उनको ये नहीं बताया कि बाल मेरे जो है वो नजले की वजह से सफेद हुए हैं? मसला बालों का नहीं है बाबा। तो पेट कौन सा इतना बड़ा है, मशीन मंगाइए, सेट हो जाऊंगा। ओफो, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे मैं सब समझ रहा हूँ भाई, लड़कियाँ शादी से पहले ऐसे ही बातें करती हैं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे आप समझ ही नहीं रहे बाबा, बस बोले चले जा रहे हैं। अच्छा भाई चलो तुम बता दो जो मैं नहीं समझ रहा। बाबा वो अयान आंटी ने शादी से मना कर दिया है, शायद उन्हें कोई बात बुरी लग गई है हमारी। क्या सच्ची इनकार कर दिया? हाँ बाबा। बेटा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, शुक्र है इनकार कर दिया। मैं तो खुद इनकार करने वाला था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम तक ये बात पहुंचाऊं कैसे। आप मुझे बना तो नहीं रहे ना, पक्का पक्का बताया, आप हर्ट तो नहीं हुए ना? हरगिज नहीं, कुछ और इसलिए हर्ट हूँगा मैं, वैसे भी मेरी बेटी मेरे पास है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। हा? आप बेस्ट बाबा इस दुनिया। अब तुम दुनिया की बेस्ट बेटी। बाबा यू आर सो स्वीट। मैं ये सोचता हूँ जब तुम अपने घर चली जाओगी तो तो कितना सुकून हो जाएगा मेरी लाइफ में। ये पार्टी नाइट। तुम क्या बात कर रही हो, होश में तो हो? अरे इसमें होश की क्या बात है, शादी करना गुनाह है क्या? लेकिन बच्चों की शादी रोक के अपनी शादी करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अरे अब तो जो होना था हो गया ना, अब तो हमें मिलके डैड के लिए एक अच्छा सा डिजाइनर ढूंढना है, शेरवानी बनवानी है शादी के लिए। उनको किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है, जहाँ से तंबू बनते हैं ना वहाँ से बनवा लो अपने बाबा का ड्रेस। अब पैसा भी नहीं है, तुम छोड़ो मैं सब काम खुद ही कर लूँ। ओहो इतने सारे काम रह गए, घर सजवाना है, बाबा के कपड़े अरेंज करने हैं, और मेरे कपड़े भी तो रह गए ना, खाना देखना है, सारे मेहमानों को बुलाना है, बहुत सारे काम हो रहे हैं मुझे तो करने वाले। क्या बातें कर रही हो यार, मुझे तो तुम्हारी बात सुन के गुस्सा आ रहा है। कल तक तो तुम इतनी परेशान थी और आज देखो इतनी खुश, सारी अरेंजमेंट्स कर रही हो। ओहो तुम्हें क्यों जलन हो रही है मेरे बाबा की शादी से? हाँ जलन, मुझे क्यों जलन होगी, तुम्हें इंतजाम करे ना, करो करो सारे इंतजाम, मैं चला जाता हूँ ठीक है। अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हो, मजाक कर रही थी मैं तुमसे। क्या मतलब? हाँ क्या मतलब मजाक कर रही थी? मतलब ये कि बाबा ने शादी के लिए इनकार कर दिया। क्या सच कह रही हो? अरे हाँ यही तो बताना था तुम्हें। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, इतना लंबा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तंग करने में मजा आ रहा था, और तुमने भी तो मेरी इस मसले में कोई हेल्प नहीं की ना, तो सोचा तुम्हें मजा चखाती हूँ। तुम भी ना यार। खैर सुनो, मुझे भी तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। बताओ। मैंने तो अपने डैड को साफ साफ कह दिया कि भाई आप दोनों की दुश्मनी है, दुश्मनी अपने तक निभाओ, हमारी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो। तो फिर क्या कहा अंकल ने? मैंने कह दिया कि हम दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम, बस अयान अल्लाह मियां इन दोनों के दिलों में ना कोई मोहब्बत डाल दे, दोबारा से दोस्त हो जाए। ऐसा ही होगा, बस एक दफा अयान आंटी मिल जाए ना, वही सुधारेंगे दोनों को। तुम ठीक कह रहे हो अयान, बस अब तो वही एक उम्मीद की किरण है हमारी। वैसे अयान मैंने उन्हें बहुत तलाश किया है फ्री पर, मैं समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान में है भी कि नहीं। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले चलो। अरे कारमिया ये क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे भी तो कुछ पता चले ये दोनों बाप बेटा तुम लोग कहाँ आ जा रहे हो। कुछ नहीं कहीं नहीं बीजी। क्या कुछ नहीं कहीं नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी का कोई किस्सा विस्सा हो रहा है, तुम्हारा बेटा सोच रहा है तुम्हारी शादी करने के लिए। मेरी शादी का सोच लेता तो बहुत अच्छा होता।
लेकिन इस वक्त जो वो सोच रहा है वो बहुत गलत है। मकसद क्या अरे मुझे तो एक बात तो बता, ये तुम बाप बेटे के दरमियान क्या चल रहा है, क्या खुसर खुसर हो रही है, क्या खिचड़ियां पक रही है, मुझे भी तो कुछ पता चले। अरे डैड को लेकर गया था मैं मिलवाने के लिए आपकी बहू से। तुम्हें क्या हुआ, क्या क्या कोई बात बनी? अरे कहां बात बनेगी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मतलब चले चले अंदर चले बताओ। आप हमारी मदद करेंगी ना? मदद करेंगे आप हमारी? हाँ हाँ, क्या मदद है बताओ ना। अरे एक दोगी झापड़ तेरे मुंह पे, मदद करेंगी ना? तुमने क्या समझा हुआ है मैं किसी एजेंसी में लगी हुई हूँ, इंटरपोल में हूँ, या वो क्या बोलते हैं उसको, सुराग रसा में लगी हुई हूँ जो तुम्हारी मदद करूंगी? वो मेरी बात तो सुने। अरे जब हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे तो ढूंढ ही लेंगे ना उनको। तीनों कौन भाई, तुम वो और तुम्हारा बाप? अरे नहीं नहीं, मैं आप और आपकी होने वाली बहू अयान। बहुत चालाक हो गया तू। लेकिन हमारी भाई एक शर्त होगी। शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे कोई 8-10 सूट दिलो। 8-10 सूट मैं? हाँ वो भी तो नौकरी भी मेरी पक्की नहीं हुई। बहुत ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा कंसेशन डिस्काउंट तो देना। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए 6 सूट। यार पर्सनालिटी तो हमारी भी वही है जो आज से 30 साल पहले थी। हाँ मगर साला वो कमबख्त पता नहीं खाता क्या है या नहीं खाता, वैसे ही छेरा बदल, दुबले का दुबला। साहब वो चाय ला के दूं? हाँ ले आप जाओ। अच्छा अच्छा सुनो शामिया, यार सच्ची बात बताओ, हम दिखने में हमारी उम्र क्या लगती है तुम्हें? बोलो सच बोलना, देखो झूठी बात नहीं। शामिया बोनी का टाइम आ गया है। क्या क्या? नहीं नहीं मैं हिसाब लगा रहा था कि 30-35 और अगर कुछ भी कर लो 40 से ऊपर के नहीं लगते आप। सच्ची? और क्या साहब, मैं आपसे झूठ बोलूंगा क्या? ये मजबूत बाजू, ये चौड़ा सीना, ये पेशानी आपकी, उस पर लहराते हुए बाल, यकीन करें अगर आप पड़ोस मुल्क में होते ना तो वहां अच्छे अच्छे हीरोज की छुट्टी कर चुके होते। सच कह रहे हो ना? अरे बस शामिया तुम्हारी सच्चाई पे बस वारे न्यार रहने को दिल करता है, तो बड़े सच्चे आदमी हो यार। अब आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी है। और सुनो, तुम्हारी तनख्वाह नहीं बोनस भी मिलेगा इस दफा। बोनस का तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं मियां, ले जाना बेगम को शॉपिंग वॉपिंग कराना। हाँ मजे करो, जाओ जाओ जाओ। कसम से पक्का बोनस, तनख्वाह भी डबल डबल। अल्लाह मेरे को कितना सच्चा नौकर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। सच बोलने वाले आदमी बड़े अच्छे होते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। भाई तौबा अल्लाह माफ करे, ये रंग तो अच्छा है लेकिन ये मुझे पूरा नहीं आएगा। मेरे ना आपके पता नहीं कपड़े क्यों नहीं बनाए। Excuse me, ये पहले मैंने पसंद किया था। क्या मतलब? ये तो मैंने पसंद किया, ये तो मैं ही लूंगी। नहीं नहीं देखिए, ये मैंने पहले पसंद किया है और वैसे भी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन ये सूट तो मैं ही लूंगी। बहस करो या ना करो मगर ये सूट सिर्फ मैं लूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला। ऐसे कैसे? मुझे लगता है किसी को बुलाना पड़ेगा मुझे। एक्सक्यूज मी, अरे तुम पुलिस को बुलाओ या किसी और को भी बुला लो, इस हाउस में मैं नहीं आने वाली। ये सूट तो मुझे पसंद आ गया, बस मैं ही लूंगी। अरे अजीब खातून है आप, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और आप क्या क्या कहा तुमने? अजीब कह रही हो ना? आई एम सो सॉरी, वो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो मैं माफ करती हूँ, लेकिन जो खातून का है ना मुझे, इस पे माफ नहीं करूंगी। तुम खुद अच्छी खासी खातून हो। अरे मैं आपसे माजरत कर तो चुकी हूँ। ए बस रहने दो, ये खाली खुली माजरत से क्या होगा, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। आप तो मेरे गले ही पड़ती जा रही हैं। ओ एक और इल्जाम लगा दिया मुझ पे, अभी तुम हो कौन? देखें अब आप जाती कर रही हैं। फिर एक और इल्जाम लगा दिया मुझ पे तुमने। उफ खुदा कहाँ फंस गई मैं, कोई है? एक्सक्यूज मी, हेलो
अल्लाह मैं कहाँ फंस गई, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जा, जो तुम सामने आ गई हो, इल्जाम पे इल्जाम लगाते जा रही हो। देखें अब अगर आपने एक लफ्ज भी मुझसे कहा ना और तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बस रहने दो, धमकी लगा रही हो ना, अभी बताती हूँ। आयान आयान बेटा ये देखो, आयान 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 जल्दी आओ। क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखो ये औरत मुझे बातों पे बातें करती जा रही है, इल्जाम लगाती जा रही है मुझ पे। ये मेरी फूफो है। मगर इन्होंने मेरा नाम क्यों पुकारा है? आपका नाम? जी हाँ मेरा नाम है आयान अहमद। आप आयान है, मतलब आपका नाम भी आयान है? क्यों मेरे अलावा कोई और भी है आयान यहाँ पर? हम दोनों के नाम भी आयान है। ओ बेटा मैंने तुम्हें इसके साथ रिश्तेदारी करने के लिए नहीं बुलाया, इसे खुद ही बोल दो कि ये सूट मुझे पसंद आ गया, बस मैं ये लूंगी, मैं ये लूंगी। अच्छा ठीक है अब आप ये सूट ले लीजिए। ले लो क्या? क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर। चांद मिया बाबा कहाँ? बाबा बाबा कमरे में है और इतने गुस्से में है, उफ ना पूछो। बस बस मेरे लिए एक कप चाय बना के लाए। आ गई तुम? हाँ बाबा वो कुछ नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने उस फ्रॉडियर से नहीं मिलना, तुम फिर उससे मिल के आ रही हो। आप जानते ही नहीं है मैं किससे मिलकर आ रही हूँ। अरे मुझे पता है किससे मिलकर आ रही हो, तभी तो गुस्सा कर रहा हूँ मैं। बाबा आप कुछ नहीं जानते कि मैं किससे मिलकर आ रही हूँ आज, बताऊंगी ना तो खुशी से पागल हो जाएंगे। मैं कोई पागल वागल नहीं होता। आयान आंटी से मिलकर आ रही हूँ मैं। क्या आयान? अरे वो तुम्हें कैसे मिल गई? पकड़ो मत, वो मुझे आज तक नहीं, तुम्हें कैसे मिल सकती है वो? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, जानती थी मैं आप मुझे बिलीव भी करेंगे। ये देखें, दिखाओ, ये तो वाकई है आयान। मिली कहाँ वो? बाबा मैं बुटीक गई थी ना शॉपिंग पे, वो भी वहीं पे शॉपिंग करी थी। हाँ तो तुम्हें कैसे पता कि ये आयान है वो वाली? बाबा बहुत मजा आया, मैं वहाँ पे शॉपिंग करी थी और आयान आंटी भी वहीं पे शॉपिंग करी थी। जब काउंटर पे बिल बना तो उनका नाम देख के पता चला कि वो भी आयान है। अच्छा, अच्छा। बाबा मैं तो बहुत खुश हो गई लेकिन फिर डर भी गई। लास्ट टाइम याद है ना आयान को बुलाया था, वो एक एक्टर निकली थी, पर बाबा मैंने इस बार तो कोई रिस्क ही नहीं लिया, मैंने उनके साथ पिक्चर ली। ऐसे बताओ कैसी लग रही थी? बाबा वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी पसंद, सोचिए अगर वो इस एज में इतनी ग्रेसफुल लग रही है तो जवानी में क्या लगती होंगी, इन लोगों के दिल तोड़े होंगे उन्होंने। अरे तुम पूछो ही मत, जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होती थी ना एक खुशबू सी फैल जाती थी, हवाएं चलने लगती थी, दरख्त गाना गाते थे, माहौल बदल जाता था और लड़के गिर जाते थे जमीन पे। ओ क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं मैं तुम्हें? सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता हूं। मतलब यूनिवर्सिटी की हर लड़की की ख्वाहिश होती थी कि आयान कुछ टाइम उनके साथ गुजारे, मगर आयान अरे किसी को घास तक नहीं डालती थी। और बताए ना बाबा, और बताए उनके बारे में कुछ? क्या अच्छा वक्त था, मैं आयान और वकार हम तीनों साथ साथ होते, क्या बात, वो वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बस बेटा यादें बाकी रह गई। और वो आपके फ्रेंड वकार अंकल? अरे हटो उसका तो जिक्र ही ना करो। अच्छा आप छोड़े ना, आयान आंटी के बारे में सुनो। हाँ बता बता। इतनी प्यारी लग रही थी, ब्लू कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। उफ। हेलो जी सलाम अलैकुम। जी मैं आयान बात कर रहा हूँ, आपको याद है उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी आयान बुटीक में, मैं मेरे साथ मेरी फूफो थी, याद आया आपको? हाँ हाँ मैंने पहचान लिया है, कैसे हो तुम लोग? फूफो कैसी है? ये मेरी फूफो से बात करें, फूफो से बात करें। हाँ जी हेलो, कैसी हैं आप? आपका कल ना मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा जी जरूरी बात है ना, अब आप वादा करें कि पहुंच जाएंगी। जी जी ठीक है मैं आ जाऊंगी, थैंक यू बाय। आयान को ब्लू कलर बहुत पसंद है, मैं पहन के उसके पास जाऊंगा। मेरी आयान आई लव यू। गोरी के सर पे सज के सेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे, तुम मिले प्यार मिला रे। 30 साल बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी।
charming, beautiful. तुम भी कहाँ चेंज हुए? वैसे कि वैसे ही डैशिंग और स्मार्ट। पता है ये ठीक कह रहा है बिल्कुल अयान, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम भी कहाँ बदले हो? वैसे ही कलरफुल और वैसे ही नॉटी। बाय द वे, मैं तुम दोनों के बच्चों से मिल चुकी हूँ। बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट बच्चे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा बिल्कुल। हाँ, और तुम क्या समझ रहे हो, मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा? भूल जाओ, भूल जाओ। अरे मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे लड़के से मंसूब होने नहीं दूंगा जिसका बाप तुम जैसा हो। जबान को लगाम दो इफ्तिखार, वरना काट दूंगा। अरे क्या हो रहा है, तुम लोगों ने यहाँ मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? क्या हो गया आप लोगों को? किसकी मोहब्बत की रकाबत में जल रहे हैं आप लोग? जब हम किसी को पसंद करते हैं तो इजहार भी चाहते हैं। क्या आपने शादी नहीं की वकार? आप बताइए, आपने शादी नहीं की? देखें, जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो हम उसका इजहार भी चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम सबके दिलों में क्या है। आप दोनों ने दोस्त होते हुए भी कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। मुझे बताइए वकार, आपने कभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया? आप बताइए इफ्तिखार, कभी आपने इजहार किया मुझसे? फिर मैं एक औरत होते हुए अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कैसे कर सकती थी? बताइए, जवाब दीजिए। मुझे तो इस बात का अफसोस होता है कि सारी उम्र आप लोगों ने इसी गलत फहमी में गुजार दी है कि मेरी शादी आप दोनों में से किसी एक के साथ होगी। किसी ने कभी भी हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। दोस्त थे, लेकिन खुद साख्ता रकाबत की आग में खुद को जलाते रहे। अब इसी आग में अपने बच्चों को भी जला रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं शादी कर चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड यूएस में एक बहुत बड़े हार्ट के स्पेशलिस्ट। और मैं यहाँ अपनी वालदा से मिलने के लिए आई थी और फिर अचानक आप लोगों के बच्चों से मुलाकात हो गई और फिर आप लोगों के बच्चों ने मुझे आप दोनों के बारे में ये सब कुछ बताया। देखिए वकार, इफ्तिखार, मोहब्बत सिर्फ पालने का नाम नहीं है। मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि मेरी मोहब्बत आज भी आप लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या हो गया अगर हम लोग नहीं मिल सके या अपनी मोहब्बत को नहीं पा सके? लेकिन इसमें इन प्यारे से बच्चों का क्या कसूर है? इफ्तिखार, वकार, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपने बच्चों की शादी करवा दीजिए। अरे आयान, शर्मिंदा मत करो। प्लीज क्या कर रही हो, हाथ मत जोड़ो, क्या हो गया? तो फिर बताइए, आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं? बताइए ना। ठीक है, तुम कह रही हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, तुम कह रही हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। थैंक यू सो मच। तो बस फिर ठीक है, दो दिन के बाद ईद है और ईद वाले दिन हम लोग इनका निकाह करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन मेरी वापसी है अमेरिका। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? चलें, आपस में गले मिलें। इस कदर प्यारी लग रही है ना बच्ची? जी माशाल्लाह। हाँ भाई, रस्म शुरू करें क्या? वकार, इफ्तिखार, रस्म कीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करें। लो बेटा। हम्म,
ये तो क्या तुम्हारी बेटी अंगूठी नहीं पहनाएगी? अरे हाँ हाँ, एक सेकंड, क्यों नहीं पहनाएगी? ये लो ये लो, दो आगे दो आगे दो आगे, ये लीजिए। मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, मुबारक हो, फेरो मुबारक। अभी खाली मुबारक से काम नहीं चलेगा, अभी तो जरा भाई हल्ला गुल्ला होगा। आ जाओ भाई आ जाओ।